आज इस गली में अखबार मत बांटना। चड्डी चल निकल। पापा। मनिया तैयार हो? हाँ सर, हमने उसके घर के बाहर कैमरास लगा दिए। हाँ रविंदर, हम सब ने पोजीशन ले ली है सर। सर सर, सस्पेक्ट अंदर ही है, हम अंदर जा सकते हैं। 3, 2, 1, let's go. Hey, मेरे बेटे में चिल्लाए क्यों? ए बच्चे को अंदर लेके जा। बड़े साहब तुमसे सवाल करेंगे, तुमको सच सच जवाब देना है। अगर उनकी हट गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा ये शेर की मांद है, कौन बचाएगा? हमसे बच के कहाँ जाएगा? मेरे को भूल दे रहा है। देख यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है, मेरी मर्जी के बिना मेरे बॉस कुछ नहीं करते। मेरे कहते ही 2 मिनट में तेरा खेल खत्म हो जाए। मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलिए ना सर। नीचे जाके मेरे लिए कड़क मीठी चाय। आप इनडायरेक्टली मुझे यहाँ से फुटने के लिए कह रहे हैं क्या? इनडायरेक्टली काहे को, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कचप बेइज्जती है। मैं जा रहा हूँ, बच गया तू। अब चाय जल्दी भेज। डॉक्टर आनंद, एक्चुअली 2 साल पहले जब मुझे ये केस सौंपा गया था तब मुझे लगा कि मेरा पाला एक छोटे मोटे क्रिमिनल से पड़ने वाला है, मगर मेरा अंदाजा गलत था। कौन है तू? चोर उचक्का या आतंकवादी या फिर नक्सलवादी है तू? है कौन? My own, my
एक ग्रीन शर्ट पहने हुए आदमी पर शक हो रहा है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? कॉपी ओवर। तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। क्या कोई प्रॉब्लम है? अपना पासपोर्ट दिखाओ। ओके। पासपोर्ट इस तरफ आओ। पर क्यों? आखिर मैंने किया क्या? जो कहा है वो चुपचाप करो। पर बात तो सुनी। ए, तेरे आईफिल टावर को चांद में से खींच खींच के मारूंगा। छोड़ रे, छोड़ रे, 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 छोड़। चलो अपना बैग दो, चेक करो इसे। एजुकेटेड। मेरे साथ उड़ेगी? अरे मेरे पास पंख किधर है रे? इस तरह चेकिंग करेगी? तुम्हारा शर्ट उतारो। मैंने कहा तुम्हारी शर्ट उतारो। ये भी निकालो। पहन लो, पहन लो। थैंक यू। ओके, मैं कह देता हूँ। स्टीव जल्दी आओ। ये और ये, ठीक है? प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। प्लीज हेल्प मी। उसे डॉक्टर की जरूरत है। नीचे बैठो। मैं बोल रहा हूँ उसे डॉक्टर की जरूरत है। अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। One coffee. कार्ड देना प्लीज। अरे मेरा कार्ड। पीछे हटो। ऐसा। मैं डॉक्टर हूं, इसे ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे इसकी मदद करने दो प्लीज। अब तुम ठीक हो? मैंने बचा लिया तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मामा बिल्कुल ठीक है। इनका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, सिर्फ ड्रेसिंग कर देना। क्या आप डॉक्टर आनंद हैं इंडिया से? हाँ। मैंने आज के न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा। ओह अच्छा। यू आर वेरी लकी। पता है जिस डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है वो इंडिया के बहुत बड़े सर्जन हैं। यू शुड थैंक हिम। थैंक यू डॉक्टर। कम ऑन जल्दी करो। सॉरी, हमारे ऐसे बिहेवियर के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं। अगर मेरी भाषा या वेशभूषा तुम्हारे देश के लिए खतरा है तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मतलब? इंसान को उसके पहनावे से मत परखा करो। समझ गया सर। आई एम सॉरी। थैंक यू। सल्यूट। आप चलिए सर। भैया ये लोग सोचते हैं सादे कपड़े पहनने वाले चोर होते हैं। तो क्या हमेशा सूट वूट पहन के घूमे? वैसे भी इंडियंस को रोकना एयरपोर्ट पे आजकल फैशन बन गया है। पता है जब भी मुझे लगता है मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं सीधा एयरपोर्ट पे आ जाता हूँ। जिस तरह का सुलूक ये हमारे साथ करते हैं ऐसा लगता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, बिल्कुल आम आदमी हूँ। और ये मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। अब्दुल कलाम साहब, कमल हासन सर के साथ भी ऐसा हुआ है। जब इन लोग के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरी क्या औकात? नहीं भैया, वो दरअसल आपके साधारण कपड़ों से ये लोग आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए अगली बार आप जीन्स पहन कर आना। मुझे ये लोग हजार बार भी रोक लें तब भी यही कपड़े पहनूंगा। अब इनके लिए अपनी माँ से खुददारी थोड़ी कर सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने मुझे भैया इसलिए कहा क्योंकि भारत माँ हमारी माँ है ना? जय हिंद। बाय।
मेरे साथ जो था उन्हें भी छोड़ दिया सर। अभी ले आया और क्या, फास्ट फूड की तरह इनकी डिलीवरी भी फास्ट है और वैसे भी अपन साइड किक नंबर वन है। डॉक्टर क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी बुलवा दूं? क्या टैक्सी? अरे हम लोग के लिए बग्गी मंगा, क्रेडिट डाउन कर रहा है अभी, ये देख बग्गी ला रहे। तो अब अगला अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जिन्हें दिया जा रहा है उनके बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स इंसानों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद इंसानियत को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अगर उन्हें हम आधी रात में भी बुलाएंगे फिर भी वो हंसते हुए इलाज करते हैं। वो डॉक्टर नहीं है, मेरे भाई जैसा है, एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है। किसी की कितनी भी बड़ी सर्जरी करनी हो तब भी वो फीस के तौर पर सिर्फ 5 रुपए लेते हैं। उन्होंने ना जाने कितनों की जान बचाई है। 5 रुपए में इलाज करते हैं? अगर किसी के पास पैसे ना हो तो भी उसका इलाज करते हैं। वो हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है। इस नेक इंसान को अवार्ड से सम्मानित करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर आनंद लाखों डॉक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। आनंद भैया ही मेरे स्कूल की फीस भरते हैं, मैं भी बड़े होकर उनके जैसे डॉक्टर बनूंगी और उन्हीं की तरह जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में करूंगी।